हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते होंगे कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर अवश्य बनी होगी। आप सबको हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। चारों ओर बस हरियाली है, चारों तरफ सिर्फ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, छोटे छोटे पेड़ पौधे, सब कुछ कितना हरा हरा और सुकून भरा है। तो हरियाली तीज को भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया से जोड़कर देखा जाता है। ये माना जाता है कि इसी दिन पार्वती मैया ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया था, कठोर तप किया था, इसीलिए हरियाली तीज को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। तो चलिए, इसी हरियाली तीज के अवसर पर मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ जो हर स्वागत मेला को करने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं हम हरियाली तीज पर कुछ उपायों की। हरियाली तीज के दिन हमें भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को जैसे भांग के पत्ते, मतलब हरी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, भांग के पत्ते, धतूरे के पत्ते, बेल पत्र और उसके अलावा दुर्वा, ये सब चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी चाहिए। और पार्वती मैया को श्रृंगार का सामान, हरी चूड़ियाँ और श्रृंगार का पूरा सामान जिसमें मेहंदी, नेल पेंट और सिंदूर, बिंदी, काजल जो भी होता है वो सब कुछ श्रृंगार का सामान, 16 श्रृंगार का सामान पार्वती मैया को अर्पित करना चाहिए। उसके अलावा अगर भाई किसी से हो सकता है तो चांदी की बिछिया, पायल, ये भी अर्पित करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को पार्वती मैया को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है और सुहागन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही ज़रूरी होता है। अखंड सौभाग्य के लिए उन्हें ये चीज़ें अवश्य पार्वती मैया के चरणों में अर्पित करनी चाहिए और उनमें से कुछ चीज़ें अर्पित करने के पश्चात अपने पास रख लेनी चाहिए, जैसे सिंदूर ले लिया या फिर मेहंदी ले ली, और उन चीज़ों को ज़रूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो पार्वती मैया के आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त होंगी। इसलिए हरियाली तीज के दिन हमें भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने से हमें भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है और पार्वती मैया हमें अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। इसके अलावा इस प्रकार पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया हमारे सुहाग की रक्षा करती है और हमेशा हमारे जीवन में हरियाली बनाए रखती है। इसलिए हरियाली तीज के दिन आपको ये पूजन अवश्य करना चाहिए। आप ये पूजन चाहे तो सुबह कर सकते हो या फिर आप शाम को भी ये पूजन कर सकते हो, तो ये पूजन आप सब लोग अवश्य करना। इसके अलावा एक चीज़ और, आप जो सिंदूर लेके गए हैं उसे सबसे पहले पार्वती मैया के चरणों में अर्पित करें और उसके पश्चात उसी सिंदूर में से कुछ सिंदूर उनके चरणों से लेकर अपनी मांग में अवश्य लगाएं। ये बहुत ही ज़रूरी उपाय है और आपको अवश्य करना चाहिए। और अगर इस दिन आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया के नाम से, पर एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें, अगर आप इस दिन व्रत करते हैं तो आपको पूजन शाम के समय करना होगा पार्वती मैया और भगवान भोलेनाथ का, और हरी चीज़ें उन्हें समर्पित करनी चाहिए। आप चाहे तो ये पूजन घर में भी कर सकते हैं और शिव मंदिर जाकर भी ये पूजन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार होता है, और उसके पश्चात कुछ मीठे का भोग अवश्य लगाएं। इसके अलावा आप स्वयं भी हरी चीज़ों को ग्रहण करें, हरे फल खाएं और हरी वस्त्र ही धारण करें, हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े अवश्य धारण करें। सावन मास में इस तरह से पूजन करने से हमें भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ और एक नए उपाय।